आज हम सीखेंगे कि कारपेंट्री का काम समय के साथ कैसे बदलता चला गया। कारपेंट्री में तीन चीज़ों में बदलाव आया, काम करने के तरीके, औजार और मटेरियल। पहले शुरू करते हैं काम करने के तरीके से। 18वीं सदी में उपकरणों की कमी थी और ज़्यादातर काम हाथ से होता था। तकनीकी अभाव के कारण एक कार्य को करने के लिए 4 से 5 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके कारण काम कम होता था और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। 19वीं सदी में जैसे जैसे समय बदला, हमने अपनी तकनीक का विकास किया और नए उपकरण बनाए, जिससे हमें काम करने में आसानी होने लगी। और जो काम 18वीं सदी में 4 लोगों के द्वारा होता था, वो काम अब 1 या 2 आदमी करने लगे और इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ा। और आज के समय में हमने अपने तकनीकों में बदलाव किया और मशीनी उपकरण बनाए, जिससे हमें काम करने में आसानी होने लगी और ज़्यादातर काम हम वर्क बेंच पर खड़े होकर करने लगे। तथा जिस काम के लिए 18वीं और 19वीं सदी में 4 या 2 लोगों की ज़रूरत होती थी, उस काम को आज अकेला आदमी आसानी से कर लेता है। आज की सदी में हमने अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा उपकरण भी बनाए, जो कि काम करते समय हमें सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि हेलमेट, चश्मा, मास्क, शूज़ इत्यादि। तो अभी हमने काम के तरीकों के बारे में जानकारी ली, अब हम बात करेंगे कि औजारों में समय के साथ कैसे कैसे बदलाव आया। 18वीं सदी में हमारे पास हाथ से बने औजार थे, क्योंकि हमारे पास कोई तकनीक नहीं थी, इसलिए हमें जिस तरीके का काम करना होता था उसी प्रकार का हम औजार बना लिया करते थे और ज़्यादातर औजारों के लिए हमें आग की भट्टी पर निर्भर रहना पड़ता था। 19वीं सदी में हमने तकनीक में बदलाव करते हुए औजारों को आकार देना शुरू किया और औजारों का छोटा प्रारूप बनाया, जैसे कि आरी को छोटा बनाया और भी सारे औजारों को आकार दिया, जिससे कि हमें काम करने में आसानी हो और हम ज़्यादा काम कर सकें। और आज की सदी में हमने इलेक्ट्रिक औजारों का ईजाद किया, जैसे कि रंदा मशीन, कटर मशीन और ड्रिल मशीन, जिससे कि हमारे काम में तेज़ी बढ़ी और हमारा उत्पादन बढ़ा और हमारी कमाई भी बढ़ी। चलिए अब हम बात करते हैं कि कारपेंट्री के काम में किस किस तरीके से मटेरियल में बदलाव आया। 18वीं सदी में सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था और हम फर्नीचर से लेकर घर के पिलर और कई घर भी लकड़ी से ही तैयार किया करते थे। 19वीं सदी में हमने प्लाई का ईजाद किया और लकड़ी के साथ साथ प्लाई का इस्तेमाल भी होने लगा और साथ में ही प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि कुर्सी की बैक साइड और बैठक वाली साइड पर हम प्लास्टिक की रस्सी का इस्तेमाल करने लगे। आज की सदी में हमने ब्लॉकबोर्ड और MDF का ईजाद किया, जिससे कि नए ज़माने का फर्नीचर बनाने में आसानी होने लगी और लकड़ी की खपत भी कम होने लगी। तो हमने यह सारे चित्र देखे तो हमने यह देखा कि जैसे जैसे समय बदला, हमारा काम करने का तरीका, हमारे औजार और हमारा मटेरियल बदलता चला गया। तो जैसे जैसे हमारे समय के साथ हमारा मटेरियल, औजार और काम करने का तरीका बदला, वैसे वैसे हमें भी खुद को बदलना चाहिए।